सो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आप अपने किसी भी फ़ोटो में कुछ इस टाइप की मूडी ब्लू टोन कैसे डाल सकते हैं बेहद सिंपल तरीके से, क्योंकि मैंने इस वाले वीडियो में बेहद सिंपल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप अपनी फ़ोटो में इस टाइप की मूडी ब्लू टोन कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेंगे। देन गाइज, ओपन कर लेने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी यहां से ओपन हो जाएगी और देन गाइज आपको जिस भी फ़ोटो को एडिट करना होगा यहां से इसे सिंपल से ले लेंगे। देन गाइज, जैसे कि मुझे इस वाली फ़ोटो को एडिट करना है तो मैं इस वाली फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हूँ। और देन गाइज, सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको साइड में थ्री ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हम लोग बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो पेंसिल वाला आइकन है, और इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको ऊपर साइड में ट्यून इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देन गाइज, ट्यून इमेज पे हम लोग क्लिक कर देंगे और जैसे ही गाइज आप क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे आप नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आप लोगों के सामने एक सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे इंक्रीज करेंगे, 70 कर देंगे। देन गाइज, इसके नीचे आप आएंगे, इसके नीचे आपको अम्बाइंस का ऑप्शन मिल जाए, देन गाइज इसको भी हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। देन गाइज, इसको भी हम लोग 70 कर लेंगे। देन गाइज, इसके नीचे आपको एक हाईलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको हम लोग डिक्रीज कर लेंगे, 20 कर देंगे। और यहाँ पे आपको एक शैडो मिल जाएगा, तो शैडो को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, जिससे ये होगा कि जो भी हमारा डार्क वाला एरिया है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। इसको हम लोग 40 कर लेते हैं। देन गाइज, ये सेटिंग आपको कर लेने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, और क्लिक कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोग की फ़ोटो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। तो सिंपल से क्या करना होगा, ऊपर साइड में स्क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करना होगा, व्यू एडिट पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ट्यून इमेज पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश को ले लेंगे। देन गाइज, ब्रश को लेने के बाद आपको इस साइड में कोने पीस वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से अपनी साइज़ को 50 कर लेना होगा, और आप अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से जूम करेंगे। ध्यान रहे गाइज, आपकी साइज़ 50 होनी चाहिए। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, अपनी फेस पे इस इफेक्ट को कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे, केवल जहाँ जहाँ पे आपका स्किन है वहीं वहीं पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। सो गाइज, ऐसा हो जाने के बाद आपको सिंपल से क्या करना होगा, यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से आपको बैक हो जाना होगा, और बैक हो जाने के बाद आपका जो है पहला स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा अपने फ़ोटो में HDR इफेक्ट डालेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग के बैकग्राउंड और कपड़े में चमक आ जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको एक HDR स्कोप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल से हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक कर लेने के बाद आपको नीचे साइड में चार ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हम लोग सेकेंड वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो पीपल वाला ऑप्शन है, और इसको लेने के बाद यहाँ पे इसकी फिल्टर को यहाँ पे 50 हो जाएगी, और यहाँ से हम लोग ऐसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसकी ब्राइटनेस को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, 20 कर लेंगे। और देन गाइज, इसके नीचे आपको सैचुरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम लोग ऐसे इंक्रीज कर लेंगे, लगभग 45 कर लेंगे। देन गाइज, आपको भी यही सेटिंग कर लेनी होगी, और कर लेने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, और ऊपर साइड में इस क्रॉस तीर के आइकन पर आपको क्लिक करना होगा, व्यू एडिट पे क्लिक करना होगा, HDR स्कोप पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग ब्रश वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। और देन गाइज, क्लिक कर लेने के बाद आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करके और यहाँ से अपने साइज़ को हम लोग 25 कर लेंगे। देन गाइज, 25 कर लेने के बाद आप अपनी फ़ोटो को ऐसे जूम करिएगा और अपने स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से आपको ड्रॉ करना होगा, केवल आपका जहाँ जहाँ स्क्रीन है वहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। देन गाइज, आपको ऐसे ड्रॉ कर देने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से आपको बैक हो जाना होगा। देन गाइज, जैसे ही आप बैक होंगे आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम लोग अपनी फेस को स्मूथ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके और आप लोगों को सिंपल से ऐसे नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद आप लोगों के सामने एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल से हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे
और जो भी यहाँ पे सेटिंग ये देगा उसे हम लोग रहने देंगे। यहाँ पे हम लोग स्मूथ टू को सिलेक्ट कर लेंगे और कर लेने के बाद सिंपल से आपको यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और आप लोग देख सकते हैं आफ्टर बिफोर अपनी फ़ोटो को कितना औसम तरीके से हम लोगों की फ़ोटो जो है एडिट हो चुकी है। और इस फोटो को में हम लोग अब क्या करने वाले हैं, मूडी ब्लू टोन डालेंगे। उसको डालने के लिए क्या करेंगे, आपको नीचे साइड में एक तीर वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे और शेयर वाले आइकन पे हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग अपनी फ़ोटो को लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेते हैं। देन गाइस जैसे ही आप लाइटरूम पे क्लिक करेंगे आप अपनी फ़ोन को ऐसे ऊपर से ऐसे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप लोगों के सामने एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो सिंपल से इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे और ये हम लोगों को सीधे अपनी लाइटरूम ऐप में लेकर चला जाएगा। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे आपको इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। तो ऑल फोटोज़ पे हम लोग यहाँ से क्लिक कर देंगे और इस प्रीसेट को यहाँ से हम लोग ओपन कर लेंगे। सो गाइज आप भी इस प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सबसे पहले नंबर पे, वहाँ से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल से डाउनलोड कर लेने के बाद आपने लाइटरूम ऐप में ओपन कर लीजिएगा और कर लेने के बाद आपको ऊपर साइड में इस थ्री डॉट के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको कॉपी सेटिंग कर देना होगा और सिंपल से यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस वाली फ़ोटो को यहाँ से ले लेंगे जिस फोटो ने हम लोगों ने स्नैपशीट में से शेयर किया है और इसको लेने के बाद थ्री डॉट के आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ से सिंपल से पेस्ट सेटिंग कर देना होगा। और देन गाइस जैसे ही आप पेस्ट सेटिंग करेंगे आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगी जो देखने में काफ़ी औसम सी लग रही है। बिल्कुल आप लोगों ने देखा कितना सिंपल तरीके से मैंने इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करना सिखा दिया है। तो इस फोटो को सेव करने के लिए शेयर वाले आइकन पे हम लोग क्लिक करके सेव टू डिवाइस क्लिक कर देंगे और यह हम लोग की फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी।